हे फ्रेंड्स, वेलकम टू गीता रेसिपीज। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्टीम्ड मोमोज की रेसिपी बिना स्टीमर के, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत मज़ेदार है। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले आटा गूंदने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा। उसमें हम डालेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, फिर ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक डो रेडी करेंगे। डो ज़्यादा सॉफ्ट और ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। अगर आपका डो परफेक्ट होगा ना, तो मोमोज अच्छी तरह से स्टीम हो जाएंगे और खाने में बहुत मज़ेदार लगेंगे। तो ये देखिए, मैंने आटा गूंद लिया है। अभी इसको हम कपड़े से ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। इसको रेस्ट पे छोड़ना बहुत ज़रूरी है। मोमोज की स्टफिंग के लिए मैं यहाँ पे वेजिटेबल्स ले रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे पैन में, और ये मेरे पास है 1 कप कैबेज, ये मैंने रफली क्रश की हुई है, और थोड़ी सी ऐड करेंगे कैरेट्स, ये भी मैंने रफली क्रश की हुई है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको खाने में पसंद है। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक की पेस्ट, ये मैंने 1 चम्मच ली है, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और थोड़ी सी काली मिर्च। एक स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है मोमोज में, और 1 स्पून विनेगर। तो इसको अच्छे से मिक्स करके हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, ताकि ये सब्जियां जो है सॉफ्ट हो जाएं थोड़ी सी, और इसका जो पानी है अंदर से वो निकल जाए, और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो चलिए डो चेक करते हैं, जो एकदम परफेक्ट रेडी हो गया है। अभी हम क्या करते हैं, इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं, बिल्कुल छोटे बॉल साइज़ के। तो ऐसा करके हम राउंड करके पेड़े को अंदर की तरफ प्रेस कर देंगे, ताकि बेलने में ईजी हो जाए। तो ये देखिए, ये सारे पेड़े मैंने रेडी कर लिए हैं। अभी मैं आपको बेल के दिखाती हूँ। ये मैंने छोटा पेड़ा लिया है, तो मैं एक एक करके इसको बेलूंगी। आप एक बड़ी चपाती बना के ना 3-4 इंच का कटर लेके उसको कट भी कर सकते हैं। बस इतना होना चाहिए कि ये पेड़ा जो है, जो चपाती हमने रेडी करनी है छोटी सी, वो 3 से 4 इंच तक ही होनी चाहिए। तो ऐसी चपाती छोटी सी मेरी रेडी हो गई है। अभी इसमें मैं जो मैंने स्टफिंग रेडी की थी वो मैं डालूंगी, तकरीबन 1 चम्मच। ये डाल के इसके साइड्स पे हम पानी लगा के इसको फोल्ड करेंगे, एक साइड से पकड़ के इसको ऐसे फोल्ड करते जाएंगे। ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो सभी जगह से फोल्ड करके एक साइड पे ऊपर को हम सेंटर में टक कर देंगे और प्रेस कर देंगे, ताकि ये खुल नहीं जाए। ये देखिए कितना अच्छा मोमो रेडी हो गया है। ये जितना अच्छा देखने में लग रहा है ना, उतना ही अच्छा बनेगा भी। तो ये देखिए, सारे मोमोज मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हम इसको स्टीम करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ छन्नी ली है जिसमें होल्स है, उसमें हम मोमोज डाल के स्टीम करेंगे। इसको हम ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे और मोमोज रख देंगे। ऑयल इसलिए लगाना है ताकि मोमोज ये बर्तन के साथ चिपक नहीं जाए। और स्टीम करने के लिए मैं ले रही हूँ राइस कुकर, उसमें मैंने पानी डाला है और उसको बॉयल कर लिया है। अगर आपके पास ये राइस कुकर नहीं है, आप कोई कढ़ाई या बड़ा बर्तन लेके उसमें पानी डाल के ये बर्तन को उसमें रख के मोमोज को स्टीम कर सकते हैं। इतना होना चाहिए कि ये छन्नी पानी के साथ टच नहीं होनी चाहिए। इसको हम 10 मिनट तक पकाएंगे।
ये 10 मिनट के बाद मैं आपको चेक करवा रही हूँ। देखिए कितने अच्छे मोमोज रेडी हो गए हैं, पक चुके हैं अच्छी तरह से। अब ये सर्व करने के लिए रेडी है, तो चलिए डिश आउट करते हैं। आप इसको गार्लिक की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आप बनाइए मोमोज, इंजॉय कीजिए घर पे, और मुझे कमेंट करके बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।